रविना है यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या बात है She is the chairman of the jury, chairperson of the jury, and jury का एक process है और उस process को उसके अंदर तीन different division होती हैं तो वो अलग अलग कुछ OTT देखते हैं कुछ television देखते हैं कुछ non fiction देखते हैं उनके सबके numbers सब अपने अपने देते हैं and then it is tabulated by company who makes the final score. So it's a very transparent method and we have generally 10 to 12. The chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई dispute होता है जब आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है then the chairperson comes and his or her opinion becomes final in this. So basically chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. Ravi ji, आपने कल ही आपको एक ब्रेवरी के अवार्ड मिला है। जी। मैं आपसे जाऊँगा। As an artist, as an actor, आप किस तरीके की खूबियाँ देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए उसके लिए क्या खूबी उसके अंदर होनी चाहिए एज एन एक्टर? बिल्कुल आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी उंगलियां ना उठें तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय ITA के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा मंच है ITA अवार्ड्स का जो इनका 24th ईयर है पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर अनबायस्ड एंड यू नो द जजमेंट इज़ कम्प्लीटली फेयर एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है नया नहीं रहो नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की उससे नया ये नहीं क्या चाहिए मैं नहीं हूँ ये नहीं है ये नहीं है अगर सर चैलेंजेस की बात करें किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं देखिए 24 साल का सफ़र है बहुत बड़ा सफ़र है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों की अपनी ओपिनियन गुड एंड बैड दोनों आती हैं लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है अदरवाइज अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं हैं लोग सूम लेते हैं उसको बट एक चीज़ हाँ सॉरी एक चीज़ वेरी क्लियर इन ITA यू ऑल नोटिस्ड दैट एवरी ईयर फॉर एवरी अवार्ड ऑल द नॉमिनीज आर प्रेजेंट टू चेयर देयर कंटेंपरेरी मजाल है कि एक बंदा आए व्हेन द बेस्ट एक्टर इज आपके कैमरा जाएगा 4-5 एक्टर्स पे एंड द विनर इज So that is how the ITA has been because this industry supports each other in a big way. देखिए अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है उसके लिए आपको बताया कि तीन डिफरेंट ज्यूरी हैं एक OTT के लिए है एक टेलीविजन के लिए है एक न्यूज एंड यू नो नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है तो वो सब अब उसके अंदर तीन चार चार लोग होते हैं तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का वी फॉलो दैट अच्छा अनदर थिंग आप जैसे पूछ रहे हैं वी डोंट नॉमिनेट नॉमिनेशंस आती है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेज फ्रॉम द चैनल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म वो ही शोज दिखाए जाते हैं आई मे फाइंड एनीबडी द बेस्ट बट आई एम नो वन टू डिसाइड सो द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस आपको सामने से आते हैं वो नॉमिनेट जैसे अभी 1800 से ऊपर नॉमिनेशंस आई हैं फ्रॉम डिफरेंट सीरियल्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड शोज वो ही ज्यूरी देख रही है सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज रविना जी मैं आपसे जानना चाहती हूं मैं अवार्ड की बात करना आपको जिस पल के बारे में बताना चाहिए कल लिसन करते थे कि हाथ से आपको ग्रेवी अवार्ड मिले बहुत बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया आपको उस पल के बारे में उस मोमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए क्या बताना चाहेंगे उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक
आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है, और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आया, कुछ भी आए, तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके यू नो लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए, ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं ज़रूर। नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है, और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं, तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर यू नो मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव, थैंक यू। समरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल पे नज़र है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है, और मैं चाहूँगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविज़न के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविज़न के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी कोशिश है मेरी। आप 25 पहले 24 का कर लें 24 जो है एक साल के बाद, नेक्स्ट ईयर दिस टाइम, 24वां साल होंगे वहाँ पे।